नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। प्रकृति ने ढाया कहर, परिवार का गुजारा मुश्किल। आकाशीय बिजली गिरने से उजड़ा आसियाना। करंट से हो गई भैंस की मौत। दो परिवारों की जिंदगी में दुखद मोड़। राजसमंद जिले के देलवाड़ा में नेगड़िया गांव का मामला। अजमेर विद्युत वितरण निगम की लापरवाही और बेमौसम की बारिश दो परिवारों पर कहर बनकर बरपी। करंट से एक परिवार में भैंस की मौत हो गई, जबकि दूसरे परिवार का आसियाना आकाशीय बिजली गिरने से उजड़ गया। पहले से आर्थिक तंगी में गुजर बसर करने वाले इन दोनों परिवारों के घर गुजारे पर ही संकट खड़ा हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देलवाड़ा तहसील क्षेत्र के नेगड़िया गांव की। यहाँ सोहन गारिये के भैंस की मौत हो गई, जबकि पास की बस्ती में आकाशीय बिजली गिरने से न सिर्फ घर की छत में छेद हो गया, बल्कि घर की विद्युत लाइन भी फॉल्ट होने के साथ ही सभी इलेक्ट्रिक उपकरण जल गए। इस तरह एक परिवार को भैंस की मौत होने से करीब 80 से 90 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि दूसरे घर में विद्युत लाइन फॉल्ट होने के साथ ही विद्युत उपकरण जलने से करीब 1.25 लाख रुपये तक की क्षति हुई है। एक पीड़ित परिवार ने विद्युत निगम से मुआवजा मांगा है, तो दूसरे परिवार ने प्रशासन से आपदा राहत दिलाने की मांग की है। अब देखिए देलवाड़ा के हमारे संवाददाता शंभुराज तंवर की यह रिपोर्ट। और अटे जो माने नेगड़िया या पुला बरा जो मार्ग है पुला बरा आणी मार्ग पे काले एक बिजली रो खंबो पड़ी गयो, तो बिजली विभाग वाले बिल्कुल आणी खंबा ने एक भरा पे रोपियो, तो बनियो कही एक एक आधा आधा फीट मतलब खंबो भी नहीं हो, तो बनी वर्कों कही वो गलीन पड़ी गयो। पड़वो कही एक बा एक भैंस आई रही वटी नऊ मतलब वाड़ा मुँह घरे जा रही भैंस सोनलाल गायरी री भैंसी मुर्रा भैंसी, तो वह अपनी चपेट में इन वाह ठाम अठीज मरगी। और मुँह कह रू आपने मुँह तो प्रशासन और विद्युत समूह प्रयास सबने यूँ कहना चाहूँ या मुर्रा भैं ही और वो परिवार अणी भैं ऊपर ही आधारित हो, और या भैं एक महीना पहली से मतलब अणी बछड़ा ने जन्म दीदो, और वास्तव में अपनी बछड़ा ने आज मैं घरे जा ही ना वना रहे सोनलाल जी घरे, और अपनी बछड़ा ने राखनो बड़ो भारी वे गयो है, और ये मतलब परिवार पूरो शाम मतलब जो है शाम रे बना रोटिया तक आदमी दिखा दी है, और बिल्कुल सहमी गयो है गमी गयो है, और बहुत खतरनाक माने यानी गांव में यो हादसों भी है। माँ खुद बहुत यो यानी हादसों। अच्छा, यू बताओ हुकम की बिसर की बे मरी वंट तार जो लाइन गिरी हुई, अगर मान लो कि मनक बेता साइट में ने तो कई कितर वक्त बड़ो हादसा हो सकता वोट। बिल्कुल सही बात है, अगर अणी वो भैंस रो जो गुवाल हो वो थोड़ो थोड़ो पाछे हो, और अगर माँ मतलब जो है गवाल वो लारे लारे आया करते हो और कोई मन पब्लिक व्यक्ति ना अगर वे जाते हो, तो वास्तव में बहुत बड़ी घटना वे जाती माने गांव रह बातें मतलब बहुत। अब यू एक अने अलावा भी आप रहे गांव में एक हादसों भी है कटे बिजली नला भी ने आप जटे जटे दे रहा हो, सही बात तो वटे वटे कितर कहीं बिजली पड़ी हो और कितर नुकसान भी होना लोगों ने। बिल्कुल सही बात है, वटे 3-4 साल पहले एक दान मान निगड़े में बिजली गिरी वही बिजली हूँ कही 3-4 लोग मर गया हा, और बड़ी कहड़े काले माने नेगड़िया नला गांव में एक बहुत बड़ो हादसो भी हो, बिजली पड़ी मकान पे, मकान रे ऊपर वणी छत में छेद कर न वणी इलेक्ट्री रे वणी पूरा मकान रे इलेक्ट्री में घुसी वणी हूँ इलेक्ट्री हूँ पूरा जतरा भी पंखा हा वे सब जल गया, टीवियाँ जल गई सब, और जतरी भी वायरिंग जो स्विच हा वे सब जल गया, मीटर जल गयो, और करीबन 1.25 लाख रुपया आसपास बने अपनी नुकसान भी हो। अगर लोग अगर घर में बैठा उन टाइम में तो कई भी सकते हो बे घर रहा बच्चा बच्ची और परिवार रहा बनी निचला तल में हा, और ऊपरों या अगर वे अगर मनी मकान में ऊपर उपला तल में अगर बैठा तो शायद बहुत बड़ी घटना वे जाती। जनिया भैंस मरी है नेगड़िया गांव में, बड़ा घर भैंस रहा मालिक है, और आप प्रयास करा कि जानवरों की भैंस होना परिवार की तरह चलते हो, और भैंस जाऊँ होना कतरो एक तरह नुकसान भी हो है, भैंस पड़ूँ आप रे कई नुकसान भी हो है और कितर यो हादसों भी हो है। सर मैं सोनलाल गायरे बोल रहा हूँ। मैं ये लमसम 5-5:30 बजे की बात है, खेत से है जो ये भैंसे लेके आ रहा था शाम को,
तो भैंस का एकदम है जो वो थंबा गिरा हुआ था है जो, तो भैंस का कनक लग गया है, जो भैंस वही ख़त्म हो गई, मर गई। मेरे दो भैंस है, दो भैंस के आधार पे ही मैं जो मेरे घर खर्चा बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, एक टाइम का दूध दे रहा था, एक टाइम का घर पे रख रहा था, इस वजह से मेरे घर पे है, मैं घर का पालन पोषण कर रहा था। तो ये भैंस मरने से है जो मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ है, घर खर्च परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मतलब है जो विद्युत विभाग से कि मेरे को है जो भैंस की कीमत कम से कम है जो पूरी दिलाई जाए, ताकि मैं नई भैंस ले सकूं, मेरे घर खर्च परिवार को सही तरीके से चला सकूं। अच्छा बताइए कि इसके साथ में भैंस के बच्चा भी हुआ है, आज ब्याह हुआ है जो 20 दिन हुआ है इसको, उसको बछड़ा, एक बछड़ा है, बछड़ा इसके जो उसको वो बड़ा करना दूध पिलाना भी मुश्किल हो रहा है वो शाम। ये मोरा नस्ल की भैंस है, ये कम से कम है जो 80-85 हज़ार रुपये की कीमत की भैंस है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ विद्युत विभाग से कि मेरे भैंस की कीमत पूरी से मौके पे कोई विद्युत विभाग के लोग या कर्मचारी कर्मचारी विद्युत विभाग वाले कर्मचारी जैन साहब तो नहीं आए थे, उदयपुर थे, बाकी है जो लाइनमैन वगैरह है जो 2-3 जने कर्मचारी आए थे, मौका देख के गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब है जो रिपोर्ट ले रहे हैं अभी, थाने वाले देलवाड़ा थाने से आए हैं, वो भी रिपोर्ट बनी है उन्होंने, रिपोर्ट दर्ज कराई है, और ग्रामवासी भी वो यहाँ बहुत इकट्ठे हो गए हैं जो वगैरह, सरपंच साहब भी थे, ये अमर सिंह जी हमारे हैं जो, ये भी थे, सहयोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं ये सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे को परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है, इस तरीके से मेरे को है जो भैंस का पूरा मुआवजा दिलाना। अच्छा सरपंच साहब, आप नाम और परिचय बताओ और बताओ कि यह जो भैंस मरी है आपने ध्यान में आयो है तो कितना आप तरह राहत रो काम शाम रोज आप पटे पधारिया, और जो एक तरह यू हुणवा में एक नला गांव में भी एक घर में बिजली पड़ी है, तो कितर का ही मामलो है पूरा ये। मेरा परिचय साहब, मैं नेगड़िया पंचायत का कार्यवाहक सरपंच तेजराम भील हूँ, और ये कल शाम को 5 बजे के आसपास बहुत तेज़ बारिश हुई थी, और यहाँ पे ये सोनलाल जी गायरी की वो खेत से भैंसे लेके आ रहे थे, और ये बिजली का थंबा, पहले तो बारिश बहुत तेज़ थी और ये गिर गया, गिरने की वजह से सब भैंसें आ रही थी, एक भैंस उसके चपेट में आ गई। ये मुरा नस्ल की भैंस है और बहुत महंगी भैंस है, और ये परिवार इसी भैंस के आधार पे मतलब इसका पालन पोषण हो रहा है, और उसका बहुत मतलब स्थिति हुई है। मैं कलेक्टर साहब और बिजली विभाग से मतलब मैं अनुरोध करता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी और अच्छा मुआवजा दिलाने का कष्ट करावे। तो जो ये थम जो नला में जो आपदा जो बिजली गिरी है मकान पे, वो मकान का छेद करके सब शीशे टूट गए, टीवी टूट गई, और उनके जो भी जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सब जल गए, और बहुत नुकसान हुआ, मीटर वगैरह सब जल गए उनके। अच्छा एक मुँह एक सवाल पूछ रहा हूँ आपने कि इस तरह की ये, चलो ठीक है छोटा एक भैंस मरी है, और भी थम्बा है गाँव में 80 लाख पर अगर और बड़ी व्यक्ति और मान लो कि पब्लिक व्यक्ति और थंबा अगर गिरता ही है तो कहीं भेज सकते हो, तो आप बिजली विभाग वाले कहीं कहना चाह रहे हो एक सरपंच विभाग नाते? मैं बिजली विभाग से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो आप ठेके में देते हैं ये थंबे वगैरह, तो उनको आप अच्छी तरह से चेक करें, ये थंबा गिरा है, ये इसकी गहराई 2 फीट भी नहीं है और इसकी लंबाई 20 फीट है, तो अनुरोध करता हूँ, न तो उनका साइड में कोई सपोर्ट है और ऐसे आप काम करते हो, मैं बिजली विभाग से अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसी लापरवाही ना करावे। और ये तो ठीक है हमारे यहाँ पे मतलब थोड़ा आउटसाइड में थोड़ा, अगर ये कोई बहुत सारे थंबे ऐसे लगे हुए हैं जो मतलब बस्ती के अंदर भी हैं, ऐसा हादसा हो जाता बहुत लंबी मतलब घटना हो सकती है ऐसा। ये इलेक्ट्रिक पोल गिरने से कल बारिश आई थी ना, तो इलेक्ट्रिक पोल गिर गया, इलेक्ट्रिक पोल तो 1-1.5 फीट ही अंदर डाल रखा है, जबकि नियम के हिसाब से तो गहरा होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक पोल गिरने से ये भैंस उधर से आ रही थी जो पानी में करंट आ रहा था, और वहाँ भैंस चिपक के मर गई। भैंस तभी नई ताज़ा ब्याई हुई है, अच्छी नस्ल की भैंस थी, 80,000 85,000 रुपये, हाँ तो वो उनको नुकसान हुआ है, मिलनी चाहिए। ये आरएसीबी वाले की गलती है, ये आरएसीबी की प्योर गलती है, आरएसीबी वाले इनको मुआवजा दे। निकल पड़ी काली गणगौर घटाओ में, मेवाड़ राज्य का सूरज था पन्ना माता की बाहों में, तुम
तुम सोचो क्या विपदाएं पड़ी होंगी उस रात की राहों में। कर हिम्मत पन्ना पहुंच गई अब गढ़ कुंबल की पनाहों में। दिल के टुकड़े को कटवा कर मैं वाड़ी मान बचाया। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस राजसमंद की अभिकर्ता देवगढ़ निवासी ममता आर्य पत्नी डॉक्टर सत्य प्रकाश त्यागी को लगातार दूसरी बार MDRT की पात्रता अर्जित करने पर सम्मान किया गया। ममता पहले अभिकर्ता हैं जिन्होंने बीमा व्यवसाय की अति महत्वपूर्ण व उपलब्धि हासिल की है। एजेंसी मैनेजर योगेश शर्मा का इसमें खास सहयोग रहा। राजसमंद शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक सुनील चेचाणी ने बताया कि उत्तर जोन से ममता आर्य को बेस्ट एडवाइजर का खिताब मिला है। नेहरू युवा केंद्र व जिला प्रशासन द्वारा आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत राजसमंद के महावीर नगर से सोपिट रोड, शहीद स्मारक व जिला कलेक्ट्रेट उद्यान परिसर में स्वयंसेवकों द्वारा प्लास्टिक व कचरा संग्रहित किया गया। इस दौरान ADM कुशल कुमार कोठारी से भी स्वयंसेवक रूबरू हुए। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक नानालाल सालवी, जिला युवा अधिकारी पवन घोसलिया, शुभ सुखवाल, हनुमंत सिंह चौहान, शंकर लाल गाडरी, नीलेश पालीवाल सहित कई स्वयंसेवक मौजूद थे। राजसमंद 50 फीट रोड काकरोली स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल में आवश्यकता है प्रशिक्षित अनुभवी नर्सिंग स्टाफ की, शीघ्र संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8764124005। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आमेट ब्लॉक के आगरिया ग्राम पंचायत में आयोजित विशेष शिविर में कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, आमेट उपखंड अधिकारी निशा सहारण ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिविर में ग्रामीणों ने जो भी समस्याएं बताई उसका शिविर में ही अलग अलग काउंटर पर विभागवार उनका निस्तारण किया गया। शिविर में दिन भर में 38 पट्टे जारी किए गए जबकि 31 नामांतरण, 20 जाति प्रमाण पत्र, 15 मूल निवास, 5 पालनहार व 5 जन आधार कार्ड बनाए गए। इसके अलावा गांव में सड़क बिजली सहित विभिन्न समस्याएं भी आई जिनका भी अधिकारियों ने निस्तारण का आश्वासन दिया है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। राजसमंद जिला कलेक्ट्री के सामने उद्यान में श्रीमती प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। निवर्तमान जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुजर, पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण सिंह भाटी, PCC सदस्य हरि सिंह राठौड़, भगवत सिंह गुजर, परशराम पोरवाड़, OBC प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नानालाल शार्दुल, राजसमंद सभापति अशोक टांक, उप सभापति चुनीलाल पंचोली, पूर्व सभापति आशा पालीवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर इस लखीपुर में हुई घटना को लेकर विरोध व आपत्ति जताई गई। राज्य के किसान देश में इस कानून के खिलाफ बोल रहा है और उसी संदर्भ में लखीमपुर खीरी में किसान धरने पर बैठे थे और वहाँ के केंद्रीय मंत्री मिश्र जी उनके लड़के वहाँ दंगल करवा रहे हैं। दंगल का मतलब कुश्ती का खेल करवा रहे और उस कुश्ती के खेल में उप मुख्यमंत्री को मोदी जो UP के उप मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाया गया। मोदी ने असमर्थता जाहिर की होगी तो बीच में किसान बैठे हैं और रास्ता रोकेंगे तो मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा। तो मंत्री केंद्रीय मंत्री जी गृह राज्य मंत्री हैं उनके लड़के कहते हैं कोई किसान नहीं है और मैं रास्ता साफ कर दूंगा
आप अपना प्रोग्राम बनाए और लक्ष्मीपुर खीरी आए। जब पता चलता है कि किसान रास्ते में बैठे हैं तो वो दो गाड़ियाँ लेके जाते हैं और किसानों पे दौड़ा देते हैं, 8 व्यक्ति मारे जाते हैं, ये देश का हाल है। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।